Hello guys, welcome back to my YouTube channel and you guys are watching Arvind Singh. Hope you like this video. So, दिन की स्टार्टिंग हमारी फिर से ट्रैवलिंग के साथ ही हुई है. पहले हमें चांदनी चौक जाना है चाचा की ड्रेस पिक करने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने आज़ाद अंकल को दी थी सिलने के लिए. प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो बहुत कन्फ्यूज हैं. उन्हें कुछ ईगल टाइप सी चीज़ बनवानी है अपने ब्लैक कोट पे, और आज़ाद अंकल उसमें 100% श्योर नहीं है कि वो बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे. पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही. सो उन्होंने फाइनली ये कहा है कि वो कहीं और से सिलवा लेंगे. तो उनसे हमें पिक करना है, उन्हें जाके डेली में देना है. आज बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है. मतलब 3 डेज में 3 टाइम्स हम चांदनी चौक जा चुके हैं. इतना मैं ऑलमोस्ट 2 or 3 years में नहीं गया जितना 3 दिन में जाना पड़ गया है. और अभी भी एंड नहीं हुआ है. अभी जब कपड़ों का ट्रायल होगा उसके लिए भी जाना पड़ेगा और कपड़े लेने भी जाना पड़ेगा. 20 मिनट से जाम में फंसे हुए हैं और तंग आ चुका हूँ मैं. तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ऊपर से लेदर जैकेट पहन ली, इनर पहन लिया. चांदनी चौक तो पहुँच चुके हैं, बट यहाँ पे रश आज बहुत ही ज़्यादा है. थोड़ा सरप्राइज हूँ, लास्ट 3 डेज में इतना रश नहीं था जितना आज है, और वीक डेज पे इतना ज़्यादा रश, बहुत ही ज़्यादा यार. सो अभी मॉम डैड तो कार में बैठे हुए हैं, मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं दादा अंकल के पास चाचा के कपड़े लेने के लिए. कपड़े ले लेते हैं और चलते हैं जल्दी से, क्योंकि लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा. कपड़े तो हमने ले लिए हैं चाचा के. अंकल तो नमाज़ पढ़ने गए हुए थे तो अंकल तो मिले नहीं. उनके ऑफिस में एक भैया बैठते हैं, सो उनको हमने बता दिया, वो अंकल को समझा देंगे. मेन रीज़न मेरा चांदनी चौक में अकेले आने का ये था, नान खटाई मेरे को बहुत स्वाद लगती है, बट ये लोग मुझे खाने नहीं देते, पता नहीं क्यों. कोई रीज़न नहीं पता, बस कहते हैं नहीं खाओ, और मैं ऐसा ढीठ हूँ, मैंने तो पक्का खानी है, तभी मैं अकेला आया था. सो गाइस, हम लोग फाइनली मौसी के घर पहुँच चुके हैं, और ये रही मेरी बहन. इसका मुँह देख लो आप, देखो 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 देखो, छुपाने की चीज़ है, छुपा लो. इस बेचारी का हार्ट टूट गया है. ये क्या कर रही थी? ये बोले चूड़िया पे डांस कर रही थी स्कूल में, ठीक है. अब आप मुझे बताना है ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है. ये डांस कर रही थी पैरों से, ठीक है. ये स्लिप हुई पैरों से और गिरी पैरों के बल, और इसका हाथ टूट गया. पैरों के बल, ये हाथ के बल. ये मैं बताता हूँ ये क्या चीज है. ये है नौटंकी. ये हिमाचल जाने के लिए पहले से एडवांस में बहाना कर रही है कि मेडिकल ऐसे लूंगी मैं. अभी से प्रैक्टिस बहाना है कि एक ट्यूशन की छुट्टी ऐसे लूंगी, उसके बाद ये चीज करूंगी. अब बोलो ये चीज इधर देख के बोलो यार. मेरे 2500 फॉलोवर्स देखना चाह रहे हैं आपको. देखो ये शक्ल. अबे तुम्हारी कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई तो चलो देखो मासी ट्यूशन ना ले ले ना, मुझे कह रहे जो भी पट्टी बांध गया. मैंने उससे बात करी, उसने कहा मैं सोमवार को मिल लूंगी, मैं मंगलवार को. मैं पट्टी बांध रहा मैं पूरा मेरा पूरा टेस्ट तैयार था, मैं दे देती हूं. मेरे को ये झूठे झूठे मुझे कह रहे थे मुझे भी आता नहीं. मेरे को मम्मी आपकी कसम, मेरी मत खा के. आहा की कसम, मुझे पूरा टेस्ट आता है. ट्यूशन की बारी की, मैं बारी में तेरे 12 बज जाते हो. उसने मुझे अभी वीडियो भेजी, मैं क्या करूं? बस कर काम चलाती हूं. ट्यूशन वाले के साथ चलते रहोगे पूरा टाइम, मेरी बात भी तो सुना करो. जल्दी चल, चलनी भी खड़ी होगी. मैं भी आया था. कितनी बार मैंने बोले मेरा ओलंपियाड है कल. तू कल ओलंपियाड भी देगी? क्यों नहीं दूंगी? बात सुन ले तू. उसका भी नहीं टेस्ट होगा. अभी तो बैठी खाली जा रहा. अब कंप्यूटर पे है यार. लिखना मुझे बैठकर. तो जब तेरा हाथ नहीं चल रहा तो कंप्यूटर में. कंप्यूटर इस हाथ से भी चलता है. ये भी वही लड़की है जैसे रणवीर कपूर ये जवानियां दीवानी में नहीं किया था. मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता. बस फर्क इसमें ये है, या अनुष्का कहती है मैं दौड़ना चाहती हूँ, मैं भागना चाहती हूँ, बस इस पढ़ाई के बोझ से बचना चाहती हूँ. जस्ट इमेजिन गाइस, इस बंदी ने एक पूरी अलमारी ली है अपनी किताबें रखने के लिए. पढ़ी दो ही आता.